हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर मेथड, या जिसको हम बोलते हैं मास्टर थ्योरम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगाना चाहूंगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है मास्टर मेथड, जिसमें हम करते क्या है, रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं यूजिंग द मास्टर मेथड। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट की थी। तो वहां पे मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो एप्लीकेबल है ऑल प्रॉब्लम्स पे, मतलब जितने भी रेकरेंस रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं सारों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्लो है वो मेथड, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ज्यादा है। तो अगर मेरे को फास्टर मेथड यूज करना है तो फास्टर मेथड है हमारे पास मास्टर थ्योरम। लेकिन अब इसमें भी एक कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट क्या है कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को, सारे रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व नहीं कर सकता मास्टर मेथड से, कुछ स्पेसिफिक को ही सॉल्व कर सकता हूं। अब वो कौन से स्पेसिफिक है वो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि अगर आपका रेकरेंस रिलेशन इस फॉर्मेट में है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाय बी प्लस एफ एन, एंड ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड बी मस्ट बी ग्रेटर देन वन। बी जो है वो, बी वैल्यू जो है वो वन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मास्टर मेथड से। लेट्स से कि अगर मैं ये ले लूं प्रॉब्लम टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। अब देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, वन, वन आ गई यहां पे, वन डॉट ही है। बी की वैल्यू कितनी है यहां पे, एन डिवाइड बाय क्या है, वन, मतलब यहां पे बी की वैल्यू वन है, लेकिन हमारे पास b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए अगर मेरे को मास्टर मेथड लगाना है। तो यानी इस टाइप की प्रॉब्लम को आप सब्स्टिट्यूशन से करो, लेकिन मास्टर मेथड से आप नहीं कर सकते। तो यहां पे b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और fn भी आपको दिया होगा। अब अगर मेरा इस फॉर्मेट में आता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ये देखो 8tn / 2 + n square। अब देखो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, ग्रेटर देन 1 है, हाँ, तो इस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू 2, इस पे लगा सकते हैं, हाँ, इस पे लगा सकते हैं, मतलब इन टाइप की प्रॉब्लम्स पे हम लगा सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या आता है, अगर मास्टर थ्योरम आपको लगानी है तो सॉल्यूशन आएगा आपका ये, दैट इज t ऑफ n, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n की पावर log, n की पावर है log ba into un। अब आपको देखो क्वेश्चन में n, ऑब्वियसली n तो पता ही हमें, b की वैल्यू दी होगी, a की वैल्यू दी होगी, un आपको कैलकुलेट करना है। अब ये un जो है फंक्शन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, un की वैल्यू डिपेंड्स करती है किस पे, hn की वैल्यू पे। अब hn कैसे कैलकुलेट करना है आपको, hn की वैल्यू आपको निकालनी है fn डिवाइडेड बाय n पावर log ba। अब fn दिया क्वेश्चन में, दी है, n की पावर ba दी है, दी है, तो यानी आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको hn की वैल्यू निकालनी है। अब बेस्ड ऑन hn वैल्यू आपको un की वैल्यू पता लगेगी, बट कैसे, इस टेबल के थ्रू। अब यहां पे अगर hn की वैल्यू आ रही है, लेट्स से n पावर r, ये आप नोट कर लीजिएगा, टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, n पावर r, और r की जो वैल्यू, मतलब जो पावर में आ रही है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो n की पावर r आप un की जगह पुट कर देना। अगर n की पावर r और r की वैल्यू लेस देन 0 है, तब आप सिंपली un को क्या पुट कर दो, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब 1 पुट कर दो। अदरवाइज ये मेरा थर्ड केस बन रहा है, और ये कब केस बन रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसे मास्टर मेथड को यूज करना है। लेट्स से t ऑफ n इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, 8tn / 2 + n square। अब सबसे पहले हमेशा नोट कर लो यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 8, b की वैल्यू कितनी है, 2, और fn की वैल्यू कितनी है, n square। ये देखो इस फॉर्मेट में a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, fn की वैल्यू n square, सबसे पहले लिख लो। अब सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा n पावर log ba। यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, कई बार कंफ्यूजन आ जाती है कि यार a कौन सा था, b कौन सा था, मतलब a नीचे है या b ऊपर है, तो याद रखना b फॉर बेस, और log बेस में क्या आएगा, b आएगा, तो b फॉर बेस से आप रिमेंबर दैट, ओके यहां पे b और ऊपर क्या है, a, देन u n। अब देखो यहां पे n की पावर log b, व्हाट इज b इन दिस क्वेश्चन, 2,
What is A in this question? 8 into UN, यानी N cube UN आपके पास बन गया। अब आपको N cube तो solve हो गया, लेकिन UN solve नहीं हुआ। UN अब आपको solve करना है, सीधा answer मत लगा देना, आपको UN solve करने के बाद ही final answer मिलेगा। अब UN किस पे depend कर रहा है? HN पे, HN calculate कर लो, तो HN अगर मैं यहाँ पे calculate करूँ, FN, इस question में FN कितना है? N square, डिवाइडेड बाय, देखो fn कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर, यहां पे डिवाइडेड बाय n पावर log ba, वही 2 और 8 पुट कर दिया यहां पे, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब बन गया, जिसको आप लिख सकते हो 1 बाय n, जिसको आप लिख सकते हो n पावर -1। अब देखो n पावर -1 आई आपकी hn की वैल्यू, अब देखो n पावर r, r ग्रेटर देन 0, तो -1 ग्रेटर देन 0 है नहीं, नेक्स्ट केस आ जाते हैं, n पावर r और r की वैल्यू लेस देन 0, यस दिस इज द केस, लेस देन 0 आ गई, मतलब केस नंबर 2 यहां पे बनेगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ un कॉरेस्पोंडिंग टू दिस hn, ऑर्डर ऑफ 1, तो आप यहां पे क्या पुट कर दो, ऑर्डर ऑफ 1, या आप सिंपली कह सकते हो 1 पुट कर दो, तो यानी आपका आंसर टोटल क्या आएगा, n क्यूब डॉट 1, दैट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। So this is how you have to solve the recurrence relation using the master method. तो याद रखना format यही होना चाहिए, इस तरीके से values find out करो और un की value find out करो hn के through, hn की value जो आ रही है इस table के through, ये table note कर लेना, तभी आपका final answer जो है वो आएगा। Thank you.